अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मोहम्मद मोहित, चैनल ए एम एम टेक से। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कोई रिव्यू अनबॉक्सिंग नहीं है, वो है कि आप बाय कैसे कर सकते हैं यूज्ड सैमसंग स्मार्टफोन। ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, ये खास मैं सैमसंग स्मार्टफोन के लिए है। और मेरे पास फ़िलहाल मैं जो क्योंकि मैं कोड बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो सिर्फ सैमसंग पे लगेगा। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे, तो आप एक यूज्ड सैमसंग का फ़ोन बहुत अच्छे सही तरह बाय कर सकते हैं, मतलब कि ठीक है। तो हमारे पास ये सैमसंग का फ़ोन है, आपने फ़ोन को ऑन करना है। फ़ोन को ऑन करना है और आपने इसके डायलर पे जाना है। यहाँ पे आपने कोड लगाना है, कोड को ध्यान से रिमेम्बर कर ले। सैमसंग के फ़ोन पे ये कोड लगेगा, *#0**#। ये मेन्यू आपके सामने खुल जाएगा, इसमें आपको सैमसंग के तमाम फीचर्स जो आपके फ़ोन में है ना वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये डेड लाइट इसमें चेक कर लें कि आपका कोई डेड पिक्सल तो नहीं है, डेड पिक्सल डॉट, जैसे इसमें एक ये है एक डेड पिक्सल बंद। फिर ग्रीन पे चेक कर लें कोई डेड पिक्सल तो नहीं है वगैरह। फिर ब्लू कलर चेक कर लें। बेसिकली ये तीन कलर्स को इस्तेमाल करके फ़ोन सारे कलर्स बनाता है। तो फिर उसके बाद रिसीवर, ये यहाँ से इसकी वॉइस आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप वाइब्रेशन चेक कर लें, ये देखें वाइब्रेशन, मेगा कैम, ये कोई भी फ़ोटो खींच के चेक कर लें, फ़ोटो आपकी मेमोरी में सेव नहीं होगी। ये फ़ोटो खींच ली, रेयर फ्रेश ऑटो वर्क सही सही है। और उसके बाद आगे सेंसर्स चेक कर लें इसके, ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बैरोमीटर सेंसर, लाइट सेंसर, गायरोस्कोप सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, जो आपके फ़ोन में सेंसर्स होंगे वो सारी की इंफॉर्मेशन उनकी यहाँ पे होगी। उसके बाद टच चेक कर लें, ये यहाँ पे सारा फिल कर लें कि कोई जगह से आपका टच ख़राब तो नहीं है। ये टच चेक हो गया। उसके बाद स्पीकर चेक कर लें, ये सुन लें आप वॉइस। उसके बाद स्पीकर भी चेक कर लिया, अब हम सब की चेक कर लेते हैं। एग्ज़िट ठीक हो गया। फ्रंट कैम चेक कर लें, ये देखें फ्रंट कैम देख सकते हैं आप फोटो की। फ्रंट कैम के बाद ग्रिप सेंसर चेक कर लें, मैं पकड़ा हुआ तो ठीक है वो वाइब्रेट करेगा। उसके बाद आप एलईडी चेक कर लें, ये इसकी नोटिफिकेशन एलईडी है, रेड ग्रीन ये ब्लू, ठीक है ये भी सही है। एंड उसके बाद आप ये चेक कर लें, ये जिसको पता है वही चेक करे, और ब्लैक स्क्रीन चेक कर लें। उसके बाद ये हाईलेसी वगैरह वगैरह ये चेक कर लें, MLC जो भी आपके फ़ोन में फीचर है ना वो चेक कर लें। आई आर एस स्कैनर है, ये सैमसंग का थोड़ा फ्लैगशिप फ़ोन है तो इसमें आई आर एस स्कैनर आता है, वरना आपके फ़ोन में नहीं आता। और ये चेक कर लें, और उसके बाद जो आपको चेक करना है ना उसके बाद आप बैक करें। उसके बाद ना बैटरी को चेक करने के लिए ना सबसे पहले तो आप बैटरी की हेल्थ चेक कर लें, गुड है कि नहीं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप ये फ़ोन पे जाएं, फ़ोटोज़ पे जाएं और ये बस चोट लें, बस चोट लें। बस चोट लेते हुए ना आपकी बैटरी 100-150 फ़ोटोज़ पे ना जितने परसेंट अगर तो ज़्यादा गिर रही है फ़ौरन से, तो मतलब कि आपकी बैटरी को ख़राब है, तो आप वो फ़ोन बाय ना करें। और अगर तो सही गिर रही है तो ठीक है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आप यूज सैमसंग का स्मार्टफोन बहुत अच्छा कंडीशन में ले सकते हैं, 10x9 या 10x8। तो 10x10 तो नहीं हो सकता। ये थी हमारी वीडियो, अगर आपने हमारी वीडियो को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक है, तो वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।